क्या कमलनाथ अपना फैसला बदल सकते हैं? क्या कमलनाथ को मनाने उनके बेटे नकुलनाथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं? क्या कांग्रेस से दोबारा बैठक यहाँ पर कमलनाथ करते हुए नजर आएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ को लेकर के कहा जा रहा है कि बेशक भारतीय जनता पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फैसला निर्भर होता है कि सिर्फ कमलनाथ के एक बयान पर। अब यही देखना होगा कि कमलनाथ यहाँ पर इसी बयान पर कायम रहते हैं, क्योंकि जब ये चर्चाएं हो रही थी कि कमलनाथ छिंदवाड़ा जो उनका एक गढ़ माना जाता है, पारिवारिक गढ़ कहा जाता है, तो ऐसे में कमलनाथ उस छिंदवाड़ा से जब बीच कार्यक्रम को छोड़कर यहाँ पर दिल्ली रवाना हो जाते हैं, बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो जाती हैं, मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आते हैं। तो उससे पहले कमलनाथ की मुलाकात सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी हुई थी। उस दौरान कमलनाथ ने इस्तीफे को लेकर या नाराजगी को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की थी, और न ही सोनिया गांधी से, न ही राहुल गांधी से। इसलिए फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कमलनाथ इस्तीफा ना दे। कमलनाथ अपनी बात पर जो यहाँ पर मीडिया के सामने कर रहे हैं, नाराजगी अगर दूर कांग्रेस पार्टी कर देती है तो कमलनाथ अपना फैसला भी बदल सकते हैं। अशोक शर्मा को यहाँ पर जो राज्यसभा प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बना रही है, मगर उसकी जगह यहाँ पर कमलनाथ को बना दिया जाता है, तो हो सकता है कि कमलनाथ अपना फैसला बदल दें। राहुल गांधी अगर कमलनाथ से फिर मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं तो कमलनाथ अपना फैसला बदल सकते हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि और ऐसा हो भी सकता है। और इस बीच देखना होगा कि आज दिन ढलते ढलते क्या कमलनाथ मान जाएंगे या फिर कमलनाथ बगावत पर उतर जाएंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।